गैस को भी आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी शेप की हो जाएगी।
जाती है एंड लिक्विड एंड गैस बट लिक्विड एंड गैस टेक द शेप ऑफ टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर फिल्ड इन दे आर फिल्ड जिस कंटेनर में लिक्विड को या फिर गैस को रखा जाता है वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं ठीक है ना बट सॉलिड की शेप जो है वो फिक्स होती है ये मैटर की प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट है फोर्थ देखो गैस भी एक मैटर है और लिक्विड भी तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है ये क्या है गैस लिक्विड के अंदर घुल सकती है ये क्या है मैटर की प्रॉपर्टी गैस कैन डिसॉल्व इन लिक्विड लिक्विड्स में गैस डिसॉल्व हो सकती है देखो आपकी बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी हम बाद में देखेंगे पहले इसे देखो एयर इज डिसॉल्व इन पॉन्ड पॉन्ड का मतलब होता है ये तालाब वगैरह जो होते हैं आपके गांव में झोड़ भी होते हैं ना तो उसमें भी एयर होती है एयर डिसॉल्व इन पॉन्ड रिवर स्ट्रीम वाटर बहते हुए पानी में भी एयर होती है ठीक है ना एयर Dissolve in pond. Pond में dissolve होती है दूसरा river में stream water का मतलब बहते हुए पानी में ठीक है This dissolved air is taken by the water plants and animals for breathing. अब जो ये एयर एयर गैस है ना एयर जिस वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है रिवर हो पोंड हो स्ट्रीम वाटर हो प्लांट्स तो होते ही हैं एनिमल्स भी होते हैं वाटर में तो उस एयर को एनिमल्स और प्लांट कौन से वाटर एनिमल वाटर प्लांट्स इनके एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक प्लांट्स यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए सांस लेने के लिए दिस डिसॉल्व एयर दिस Dissolved air is taken by water, animals, and plants for breathing. ब्रीदिंग के लिए वो यूज करते हैं ठीक है कौन वाटर एनिमल और प्लांट्स ये कुछ प्रॉपर्टीज है पहले ये देख लो फिर आगे देखेंगे देखो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है सेकंड इज सॉलिड एंड लिक्विड मैटर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप सॉलिड मैटर की शेप फिक्स होती है बट लिक्विड एंड गैस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर कंटेनर की शेप ले लेते हैं दे आर फिल्ड इन वो जिस भी कंटेनर में फिल किए जाते हैं फोर्थ इज गैस कैन डिसॉल्व इन लिक्विड गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है जैसे एयर डिसॉल्व इन पॉन्ड रिवर स्ट्रीम वाटर दिस डिसॉल्व एयर इज टेकन बाय वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर ब्रीदिंग अब बेटा हम इसकी एक्टिविटी देखेंगे ठीक है तो मैं इसे रन कर रही हूं एक्टिविटी देखेंगे कोल्ड ड्रिंक आप सभी पीते हो ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब लेकर आते हो आपके घर में और जब उसे खोलते हो तो एकदम से उसमें गैस निकलती है आवाज आती है ना खोलते ही जब आप उस कैप को खोलते हो तो उसमें से आवाज आती है ना नाउ एक्टिविटी ठीक है एक्टिविटी देखो TV
दैट एयर डिसॉल्व इन वॉटर. एयर वॉटर में कैसे डिसॉल्व होती है हम ये दिखाएंगे इस एक्टिविटी में. देखो बेटा हमें क्या चाहिए, बॉटल ऑफ अ कोक. मटेरियल क्या चाहिए हमें, मटेरियल बेटा रुको. आपको एक्टिविटी ना कल मैं कोक की बॉटल लेकर आने के बाद ही कराऊंगी, ठीक है? आज सिर्फ आप रीड कर लो, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी करेंगे केवल, वो भी कैसे कॉक की बॉटल से. मैं यहाँ पे आपको एक्टिविटी करके दिखाऊंगी, ठीक है? आप सिर्फ आज के लिए रीड कर लो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड. सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड. देखो शुगर देखी है आप सभी ने, चीनी, नींबू पानी पीते हो सभी शिकंजी, है ना? तो देखो बेटा वॉटर में जो शुगर है वो सॉलिड होती है और वॉटर तो लिक्विड है. सॉलिड को अगर पानी में डाल दिया, घोल दिया, डिसॉल्व हो गया, तो सॉलिड भी इसमें लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, घुल गया, है ना? अब इसमें देखो When solid dissolve in liquid, जब solid liquid में dissolve होता है, when solid dissolve in liquid, it breaks into very tiny particles which slowly spread throughout the liquid. देखो जब solid liquid में dissolve होता है, it breaks, टूट जाता है solid into tiny particles, छोटे छोटे particles में solid टूटना start हो जाता है और थोड़ी देर के बाद पूरे water के अंदर घुल जाता है. वो tiny particles जो होते हैं वो पूरे water में घुल जाते हैं, ठीक है? This liquid is called solvent. जिस water के अंदर, जिस liquid में solid dissolve हो रहा है उसको बोलते हैं solvent, ठीक है? और जो चीज डिसॉल्व हो रही है पानी में, कौन घुला है, चीनी, तो लिक्विड के अंदर जो भी चीज डिसॉल्व होगी उसको बोलेंगे सॉल्यूट. क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, ठीक है? और सॉल्वेंट और सॉल्यूट, पानी और चीनी के घुलने से जो नया मिक्सचर बन गया है, घोल जो बन गया, उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है? तो देखो व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, when solid dissolve in dissolves in liquid, it breaks into very very thin particles, बहुत ही छोटे particles में break हो जाते हैं, ठीक है ना? Solid जो है छोटे छोटे particles में break हो जाते हैं, which slowly, जो धीरे धीरे, which slowly spread, which slowly spread throughout the liquid, throughout the liquid, जो धीरे धीरे इसमें लिक्विड में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है? The liquid is called solvent. लिक्विड जो होता है, जिस किसी चीज के अंदर घोली जाती है कोई चीज, वॉटर में घोल रहे हो तो वॉटर क्या है, सॉल्वेंट. द लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्वेंट. लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है? एंड द सॉलिड, और सॉलिड को क्या बोलेंगे, एंड द सॉलिड इज कॉल्ड
पदार्थ होता है जिसमें घोला जाता है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। वाटर में घोल रहे हैं तो वाटर सॉल्वेंट है, सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जिस भी चीज को घोला जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। एंड द मिक्सचर दस फॉर्म्ड, एंड द मिक्सचर दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि घोल। ठीक है बेटा, ये है सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड। क्या है कि जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो सॉलिड के पार्टिकल्स छोटे छोटे, सॉलिड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, एंड दीज पार्टिकल्स स्लोली स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। पूरे लिक्विड में धीरे धीरे फैल जाते हैं ये पार्टिकल्स। लिक्विड पार्ट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉलिड पार्ट को हम सॉल्यूट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इन दोनों की एक्टिविटी दी गई है बुक में, एक्टिविटी को हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर करके देखेंगे, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप बुक से प्रॉपर्टीज रीड कीजिए। थैंक यू।